हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स कॉप में। और आज हम इंग्लिश T20 ब्लास्ट के मुकाबले डरहम वर्सेस नॉटिंगहम शायर की फैंटेसी टीम्स बनाने वाले हैं। मैं आपको ड्रीम 11 टीम तो दूंगा, उसके अलावा मैं आपको माई टीम 11 की भी टीम देने वाला हूं, जो कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फैंटेसी प्लेटफॉर्म है और एक काफ़ी रिलायबल ऐप होने वाली। वीरेंद्र सहवाग इसको प्रमोट भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, यहाँ पे आप काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हो। और मेन बात है, ऐसे 8 रुपये का भी कॉन्टेस्ट आप देख सकते हैं, आप सिर्फ 8 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और सबसे मेन बात ये होने वाली है कि आपको 100 रुपए फ्री मिल रहे हैं माई टीम 11 के अंदर। आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ऐप को डाउनलोड करना है और रेफर कोड में डालना है स्पोर्ट्स कॉप। हमारे चैनल का जो नाम है कैप्स में डालना है SPORTSKOP। इससे आपको 100 रुपए फ्री मिलने वाले, जी हाँ आपको 100 रुपए फ्री मिल जाएंगे माई टीम 11 के अंदर, और उसको आप कॉन्टेस्ट में यूज कर पाओगे। तो फ्री के आपको पैसा मिल रहा है, जल्दी से जाओ डाउनलोड करो माई टीम 11 ऐप को और 100 रुपए का बोनस लो हमारे स्पोर्ट्स कॉप के कोड को यूज करके। तो हम बात करते हैं मैच डिटेल्स के बारे में। तो ये मुकाबला खेला जाएगा 29 अगस्त को शाम के 6:30 बजे से चेस्टरली स्ट्रीट के रिवर साइड ग्राउंड के अंदर, और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आपको मिलेगा डरहम और नॉटिंगहम शहर के ट्विटर हैंडल्स के ऊपर। अगर मैं बात करता हूं पिच रिपोर्ट के बारे में, तो इस पिच पे पहले बैटिंग करते हुए एवरेज स्कोर है 157 रन का, यानी खास बैटिंग पिच नहीं होता यहां पे। कुल यहां पे 41 मुकाबले खेले गए हैं, जब 22 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, वहीं आपको 19 बार चेस करने वाली टीम को भी जीत मिल जाती है। तो यहां पे पहले बैटिंग करना फायदेमंद रहता है टीम के लिए। अगर मैं बात करता हूं वेदर रिपोर्ट के बारे में, तो बारिश की संभावना काफी ज्यादा है इस मुकाबले में, तो जरूर से बारिश इस मुकाबले के अंदर खलर में डाल सकती है। और मेन बात है टेलीग्राम को ज्वाइन करना, आपको अपडेटेड टीम्स मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर। तो सर्च करो द स्पोर्ट्स कॉप, यहां पर दिख रहा होगा आपको टेलीग्राम मेरा लिंक, यहां पर सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं आपको टीम्स दे दूंगा लाइनअप्स के बाद में। तो सबसे पहले हम बात कर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। तो डरहम के लिए ओपन करेंगे स्कॉट स्टील और एलेक्स लीस, नंबर 3 पे ग्राहम क्लार्क, नंबर 4 पे डेविड बेडिंगम, नंबर 5 पे स्टुअर्ट पॉइंटर, फिर ब्राइडन कार्स, पॉल कॉफलिन, लियम ट्रिवाकिस, मार्क वुड, मैटी पॉट्स और नेथन रिमिंगटन। अब मैं बात करता हूँ नॉटिंगहम शायर की टीम के बारे में, तो इनकी टीम में कुछ काफ़ी बड़े नाम होने वाले हैं। ओपन करेंगे क्रिस नैश और एलेक्स हेल्स, नंबर 3 पे बैन डकेट, नंबर 4 पे डेनियल क्रिश्चियन, नंबर 5 पे टॉम मूर्स, फिर स्टीवन मुलैनी, पीटर ट्रैगो, समित पटेल, जैक बॉल, जो क्लार्क और मैथ्यू कार्टर। तो अब मैं आपको ऐसे 5 प्लेयर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको आप टीम से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालोगे, आपको इन 5 प्लेयर्स को टीम में रखना ही रखना पड़ेगा। तो पहला नाम है इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज एलेक्स हेल्स का, जो कि नॉटिंगहम की टीम के लिए 115 मुकाबलों के अंदर 3301 रन बना चुके हैं और उनका स्ट्राइक रेट रहा है 146.71, यानी काफी तेज खेलते हैं वो और ओपन करने आएंगे टीम के लिए। अगला नाम है ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर डेनियल क्रिश्चियन का, जो कि नॉटिंगहम के कप्तान भी होने वाले हैं। उन्होंने इस टीम के लिए 62 मैच में 1346 रन बनाए हैं, उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट है 156.88 का और उन्हें 35 विकेट भी निकाले, तो काफी बड़े प्लेयर होंगे डेनियल क्रिश्चियन इस मुकाबले के अंदर भी। अगला नाम आता है समित पटेल का, एक और इंग्लैंड के ही प्लेयर है, अच्छे स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, अब तक 179 मैचों में 3558 रन बना चुके टीम के लिए और बॉलिंग में 154 विकेट निकाले, तो बहुत ही बड़े प्लेयर होने वाले समित पटेल भी। अगला नाम आएगा डरहम के नए ऑलराउंडर स्कॉट स्टील का, काफी यंग करियर है इनका, 11 मुकाबलों में 369 रन बनाए हैं और 5 विकेट भी लिए हैं, एक काफी अच्छे प्लेयर है, वो जरूर से ओपन करने आएंगे, काफी बड़ा पार्ट प्ले करेंगे इस मुकाबले के अंदर। और अगला नाम होगा हमारे पास नेथन रिमिंगटन का, एक ऑस्ट्रेलिया के बॉलर है, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है वो वहां के, तो जरूर से 26 मुकाबले 38 विकेट ले चुके हैं और एक डरहम की टीम में कप्तान होने वाले हैं। तो अब हम सीधे चलते हैं आपकी ड्रीम 11 टीम की तरफ। तो हम पहले इस टीम के बारे में बात करते हैं, तो पहले मैं उन 5 प्लेयर्स को टीम में ले लेता हूं जिनको आप टीम से बाहर नहीं निकाल सकते। तो उनके अंदर हमको जैसे कि पता है कि नाम होने वाले एलेक्स हेल्स का भी, तो यहां पर मैंने सबसे पहला नाम लिया है एलेक्स हेल्स टीम के अंदर। एलेक्स हेल्स के बाद अगला नाम आने वाला है डेनियल क्रिश्चियन का, फिर समित पटेल, स्कॉट स्टील और आखिरी नाम होगा नेथन रिमिंगटन का। तो अब हम बाकी की टीम को बना लेते हैं। तो विकेट कीपर होंगे हमारे बैन डकेट। बैन डकेट इंग्लैंड के लिए खेल चुके इंटरनेशनल क्रिकेट, उन्होंने अभी तक नॉट्स की टीम के लिए 12 मुकाबलों में 255 रन बनाए हैं और वो नंबर 3 के ऊपर खेलेंगे, तो जरूर से बैन डकेट एक काफ़ी अच्छे प्लेयर होने वाले हमारी इस टीम के लिए। अब हम चलते हैं बैटिंग कैटेगरी की तरफ, तो उसमें पहला नाम आने वाला है ग्राहम क्लार्क का। ग्राहम क्लार्क ने इस टीम के लिए 48 मुकाबले खेले हैं और 1061 रन भी बनाया, तो
काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं नंबर तीन के ऊपर बैटिंग करते हुए, क्लार्क एक जबरदस्त ऑप्शन होने वाले इस टीम के लिए। अगला प्लेयर हमारी इस टीम के अंदर जो शामिल होगा उसका नाम है एलेक्स लीस। पिछले मुकाबले में हाफ सेंचुरी बनाते हुए आ रहे, ओपन करते हैं ये भी, और ये भी काफी तेज खेलने वाले प्लेयर। तो एलेक्स लीस, ग्राहम क्लार्क और एलेक्स हेल्स हमारे तीन बैट्समैन होने वाले इस मुकाबले के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ ऑलराउंडर्स के बारे में तो क्रिश्चियन पटेल और स्टील के अलावा हमने लिया स्टीवन मुलैनी को टीम के अंदर। स्टीवन मुलैनी काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, अब तक 122 मुकाबलों में 91 विकेट निकाल चुके हैं ऑलरेडी अपने करियर के अंदर, और वो काफी अच्छी बैटिंग भी करते हैं। स्टीवन मुलैनी के होते हुए हमारी टीम में काफी अच्छा ऑलराउंडर भी हमको मिलने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ बॉलर्स के बारे में तो नेथन रिमिंगटन के अलावा अगला नाम आएगा डरहम के मार्क वुड का। मार्क वुड हम सबको पता है इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलते हैं, वो तो जरूर से एक बड़े नाम होंगे हमारी टीम के अंदर। अब तक उन्होंने काफी अच्छी इकोनॉमी से बॉलिंग करी, उसके अलावा 29 मुकाबलों में 35 विकेट भी निकाल चुके हैं। और हमारे आखिरी बॉलर होने वाले नॉटिंगम शायर के बॉलर जैक बॉल, एक काफी लंबे चौड़े प्लेयर हैं, इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं और उन्होंने 56 मुकाबलों में 62 विकेट निकाले इस टीम के, जरूर से ये भी काफी अच्छे प्लेयर हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी स्मॉल लीग टीम दिखती है। विकेट कीपर होंगे बेन डकेट, फिर एलेक्स लीस, ग्राहम क्लार्क, एलेक्स हेल, स्कॉट स्टील, स्टीवन मुलैनी, डेनियल क्रिश्चियन, समित पटेल, नेथन रिमिंगटन, मार्क वुड और जैक बॉल। अब मैं बात करता हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में, तो कैप्टन होंगे हमारे एलेक्स हेल्स, हम सब जानते हैं क्या विस्फोटक बल्लेबाज है वो, और ओपन करते हुए एलेक्स हेल्स से बहुत ही बढ़िया प्लेयर होंगे इस टीम के लिए। और वाइस कैप्टन होने वाले में डेनियल क्रिश्चियन, एक काफी अच्छे ऑलराउंडर हैं, नंबर चार पे बैटिंग करेंगे, उसके अलावा उनकी बॉलिंग काफी अच्छी। तो ये मेरी स्मॉल लीग टीम होने वाली इस मुकाबले के अंदर। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो स्कॉट स्टील आपके लिए बड़ा चेहरा होने वाले हैं, उनको कैप्टन रखिएगा, ग्रैंड लीग में बढ़िया खेल के देंगे, ओपन करेंगे टीम के लिए, उसके अलावा वो बॉलिंग भी करते हैं। तो अब हम चलते हैं माई टीम 11 की तरफ। तो माई टीम 11 मैंने सेम ही टीम रखी है, पर यहां मैंने वाइस कैप्टन बनाया स्कॉट स्टील को। इस ऐप के अंदर बॉलर को कम पॉइंट मिलते हैं, बैट्समैन का पलड़ा भर रहता है, इस वजह से आपको बैटिंग पे ध्यान देना, इसलिए मैंने स्कॉट स्टील को वाइस कैप्टन रखा इस टीम के लिए। माई टीम 11 का ऐप डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करो ऐप को और स्पोर्ट्स को डाल के 100 रुपए कमा लो फ्री में, और कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर लो, आपको फायदा होने वाला इस ऐप के अंदर। तो यही था इस वीडियो के, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक जरूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।